गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिंदी सब्जेक्ट का, और अच्छे से जानते हैं हिंदी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट से भाई आपको, शी इज सुमित्रा, शी इज फ्रॉम जयपुर, राइट सुमित्रा? ओके, नेक्स्ट वी हैव अ गर्ल फ्रॉम शामली एंड नेम इज रिकुन, राइट? हम कैंडिडेट से मिलाना चाहेंगे पूनम से, शी इज फ्रॉम हरियाणा, और जो इंटरव्यू आपका ले रही है द बॉय ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश जबलपुर, लक्ष्मी प्रसाद। ओके, ही वुड बी आस्किंग अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछना चाहूंगा आज आपसे। सबसे पहले तो मुझे बिहारी का जीवन परिचय दीजिए। सर, बिहारी का जन्म 1555 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। ओके। और ये ग्वालियर से थे, और जब 1635 में ये जयपुर आए उस समय यहाँ के राजा स्वाई जयसिंह द्वितीय थे। जब जयसिंह के दरबार में ये गए उस समय जयसिंह अपने नवोड़ा पत्नी पर आसक्त थे, तब बिहारी ने उन्हें ये दुआ लिख के दिया था कि नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास, यही काल अली कलेसो बांधियो आगे कौन हवाल। ओके। इसीलिए जयसिंह ने इन्हें सत्सई लिखी, उस पर प्रत्येक एक दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं दी, और उसमें 713 दोहे हैं, और उसमें राधा जी की स्तुति की गई है। उसमें पहला दोहा यही है कि राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़ी श्याम हरित दूती होई। ओके, वेरी। सरोज समृति की रचना कर कौन है? सर, सरोज स्मृति की जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और सर इन्होंने जो सरोज स्मृति लिखी है सर, ये अपनी बेटी की याद में लिखी है। अपनी जो ये सरोज है सर, ये नाम ही इनकी बेटी का है। okay. जब उसका मतलब सरोज का देहांत हो जाता है तो सर इन्होंने उनकी मृत्यु के बाद तो सरोज स्मृति नाम से एक पुस्तक लिखी, और उसमें अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो कैसी थी, कैसे दुखों में मैंने इसको पाला था, कैसे उसकी मतलब डेथ हुई, सारे मतलब एक ये एक शोक गीत के रूप में सर विख्यात है। महादेवी वर्मा की कोई रचनाएं बताएं? सर, महादेवी वर्मा की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से निहार, रश्मि, नीरजा, यामा बहुत फेमस हैं सर, और यामा के लिए तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है सर। ओके। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं? रामचरितमानस है सर, जो इन्होंने 1576 में लिखी थी, जो हमारे साहित्य की अमूल्य निधि है, जो हमारे समाज में प्रत्येक घर में आज भी देखी जा सकती है। और इनके अन्य रचनाओं में कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस और हनुमान भाव प्रमुख हैं। छायावाद के काल और उनके प्रमुख कवि कौन कौन है? छायावाद का काल 1918 से 1936 तक है, और इनके प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। नेक्स्ट हम चांस देंगे हमारी महेंद्रगढ़ गर्ल पूनम को। पूनम, यू कैन हैव क्वेश्चंस प्लीज। मैम, जो आपने कहा कि बिहारी जी ने बिहारी सत्य लिखी थी, क्या आप बता सकते हैं उन्होंने इसको कब लिखा था? 1662 ईस्वी में बिहारी सत्य लिखी गई थी। और इसमें श्रृंगार के कितने दोहे थे मैम? 713 में से 713 में से श्रृंगार के 700 दोहे थे। no, दोहे तो 700 थे और 13 श्रृंगार रस से संबंधित थे। नो मैम, इसमें 600 दोहे तो श्रृंगार रस से संबंधित थे, और बाकी दोहे उनके भक्ति के और वीर रस से संबंधित थे, जो उन्होंने जयसिंह के ऊपर लिखे। हाँ जी, पूछिए प्लीज, आप और पूछिए इनसे। मैम, आप ये बताइए कि जो सुमित्रानंदन पंत है उनका जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म अगोनी में हुआ था। उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, शायद अल्मोड़ा में हुआ था मैम, अल्मोड़ा में ना। नेक्स्ट प्लीज। मैम, आप ये बताइए कि ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित जो जानकी मंगल है रचना, ये किस भाषा में लिखी गई है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारी जितनी भी हैं ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं सर। नो मैम, अवधी भाषा में लिखी गई है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, यू कैन आस्क मैम। अच्छा, तो मैम आप ये बताइए कि उन्होंने जानकी मंगल में किसके बारे में बताया? उन्होंने जानकी मंगल में जो माता सीता जी हैं उनकी शादी का वर्णन किया है। मैम, आप बताइए कि वल्लभ संप्रदाय के बारे में कुछ भी बता दीजिए। वल्लभ संप्रदाय में की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है, और इसके एक बेटा था विठलाचार्य, जिसने अष्टछाप की स्थापना की थी 1665 ईस्वी में, जिसमें 8 कवि हैं, जिनमें से प्रमुख थे कुंभलदास, सूरदास, नाभादास, परमानंद दास आदि प्रमुख थे। मैम, इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी अष्टछाप की। वेरी गुड, नेक्स्ट प्लीज। मैम, आपने छंद तो पढ़े होंगे मैम, छंद में जो गण होता है वो क्या है, गण के बारे में बताइए। गण, छंदों में गण 8 होते हैं, जिनके माध्यम से हम छंदों की गिनती करते हैं कि इसमें कौन सा छंद आएगा। प्रत्येक गण में 3 वर्ड होते हैं, जैसे मेरा नाम सुमित्रा है तो मेरे में 3 वर्ड हैं,
ऐसे प्रत्येक गण में 3 वर्ड होते हैं। और यति गति के बारे में क्या जानते हैं? यति गति उतार चढ़ाव का काम करते हैं। वेरी गुड। यति को क्या कहते हैं मैम? यति क्या काम करता है? यति को मैम विराम कहा गया है, जहाँ पर विराम होता है वहाँ पर यति होती है। Yes. उतार चढ़ाव गति को कहा गया है। और छंद में ही मैम जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, एक आध कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? अर्ध सममात्रिक में दोहा और शोरटा आएगा। वेरी गुड। कोई उदाहरण? दोहे का, राधा नागरी सोई जातन की झाई पड़ी श्याम हरित दूती होगी। वेरी गुड। और छप्पे छंद किसे कहते हैं? छप्पे छंद में रोहा, दोहा और रोला दोनों आते हैं, उसे छप्पे छंद कहते हैं। नो मैम, रोला और रोलाला ये दो छंदों के मिक्स से छप्पे छंद बनता है। जी मैडम, नेक्स्ट मोर क्वेश्चन। मैम आप मुझे ये बताइए कि महादेवी वर्मा को किसकी कवित्री कहा गया है? महादेवी वर्मा को छायावाद की मैम कवित्री है, और इनको छायावाद की मीराबाई भी कहा जाता है। और ये मतलब जो लिखती है, इन पर बोध दर्शन का प्रभाव है, और छायावाद के 4 जो फेमस स्तंभ है उनमें से एक मानी जाती है। मैम इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ना कि छायावाद की कहा जाता है। यस मैम, अलंकार आपने पढ़ा होगा, आप क्या हमें बता सकते हैं रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी मतलब कोई भेद नहीं होता, मतलब अभेद होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जी सर। जी, ओके। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की 2 रचनाएं के नाम बताइए मैम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की सर 2 रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास और रस कलश। जी सर। बिहारी लाल की कोई रचना है? बिहारी सतसाई सर, जो बहुत फेमस है, इन्होंने एक ही रचना लिखी है सर। ओके। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को सर। वेरी। क्यों जाना जाता है इनको इस नाम से? क्योंकि इन्होंने मतलब हमारे जो जिस टाइम बांकलाल चतुर्वेदी हुए थे उस टाइम भारत में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था, और उन्होंने बहुत सी रचनाएं उसी पे लिखी हैं। ओके। मोर क्वेश्चंस प्लीज बोथ ऑफ यू। मैम आप ये बताएं हमें, साकेत जो रचना है वो कब? 1931 में लिखी गई थी वो। वेरी गुड। और कामायनी की रचना बता सकते हैं? 1935 में लिखी गई थी वो। वेरी गुड नॉलेज। मैम माखनलाल चतुर्वेदी जी की जैसा कि आपने बताया है उनके बारे में उनकी 2 रचनाएं बता दीजिए मैम। माता समर्पण, युगचरण। मैडम आप बताइए, रस के बारे में आपने पढ़ा होगा, रस के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं? रस के अनुभाव, विभाव, उद्दीपन, आलंबन, ये सारे भेद होते हैं सर। और रस कहाँ होता है? जहाँ पर विभाव, अनुभाव, रस, सॉरी सर ये कन्फ्यूज। हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ मैडम, रस के जो है 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और इसके प्रकार कितने होते हैं रस के? सर रस के प्रकार 9 होते हैं सर। वेरी गुड। कोई 2-4 नाम बता सकते हैं? यस सर, जैसे कि आपका हास्य रस। yes. और आपका करुण रस, हास्य रस, करुण रस, और आपका विभत्स रस, और आपका आश्चर्य रस। सर ये इस तरह 9 होते हैं सर। वात्सल्य रस, शांत रस, हाँ शांत रस। जी सर। एक आध कोई उदाहरण आप इनमें से किसी का देना चाहें? जी सर, मैं देव अभी सर, जैसे कि श्रृंगार उसका करुण रस का उदाहरण है, अभी तो हाय अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए थे हल्दी से हाथ, हाय छिन पड़ी है वह, हाय रुक गया संसार, छिन पड़ी है वो बना अंगा। यस सर, गुड नॉलेज। ये करुण रस का है सर। यस सर। मोर क्वेश्चन। ओके सर। अच्छा तो मैम आप मुझे ये बताइए, जो विठलनाथ जी थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विठल नाथ जी ने मैम श्रृंगार मंडन, श्रृंगार रस मंडन। ओके। हालाबाद का काल कब से कब तक था और इसके प्रवक्ता कौन है? 1933 से 1936 तक हालाबाद का कार्यकाल रहा, और इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं, और इनके हरिवंश राय बच्चन के अलावा रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा इनके प्रमुख कवियों में से थे। यस मैम। मैम जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं बताइए। कामायनी, आंसू, झरना, लहर। ओके मैम। मैम उनका आंसू काव्य कैसा था? उनका आंसू काव्य दुख भरा था, उन्होंने अपना उसमें मतलब। मैम ये बताइए कि आंसू उनका खंड काव्य था या महाकाव्य था? खंड काव्य था उनका। okay. और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ओके।
मैम संधि तो पढ़े होंगे आपने, जो मनोहर शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है और ये कौन सी संधि है? मन है धन हर और इसमें विसर्ग संधि है। वेरी गुड। और मैम आप बताइए बहुव्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बता दीजिए। सर बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ दोनों ही पद क्या होते हैं अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद को संकेत होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि पीताम्बर है ना सर, लंबोदर, तो ये सब बहुव्रीहि के ही उदाहरण हैं। और घनश्याम किस समास का उदाहरण? घनश्याम यानी कि जिसका रंग कैसा है, श्याम के जैसा काला है, तो बहुव्रीहि का ही उदाहरण है सर ये। वेरी गुड। और कर्मधारय समास का भी उदाहरण? हाँ सर, लेकिन यदि दोनों आते हैं तो ये बहुव्रीहि माना जाएगा। बिल्कुल। विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा? विद्यालय विद्याधन आलय से मिलकर बना है सर, जिसमें दीर्घ संधि है। वेरी गुड। नेक्स्ट मैम प्रत्यय के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। और उपसर्ग? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। वेरी गुड। छायावाद की काल सीमा? सर 1918 से 1936 तक छायावाद की काल सीमा है सर। ओके। और समास और समास के भेद कौन कौन से हैं? सर समास उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है और उसके 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्विंद समास, क्रमधारय और भवेग्री समास, इन 6 समासों से समास का निर्माण होता है। यस प्लीज मैम। आप मुझे वर्ण और ध्वनि में अंतर बता सकती हैं? वर्ण छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और ध्वनि जिसमें अक्षर और वर्ण दोनों का मेल होता है उसे ध्वनि कहते हैं। नो मैम, वर्ण जो होता है वो ध्वनि का ही लिखित रूप होता है और जो ध्वनि होती है वो वर्ण का उच्चारित रूप होता है, होते ये दोनों एक ही हैं, बस लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। अगर हम कै बोलते हैं तो वो उच्चारित रूप है इसलिए वो ध्वनि है, और अगर हम कै को लिखते हैं तो वो उसका लिखित रूप है उसको वर्ण कहते हैं। थैंक यू मैम। मैम आप ये बताइए तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, हमारे हिंदी में संस्कृत भाषा से जिन्हें ग्रहण किया गया है, और तद्भव शब्द वो हैं जो हमारे जैसे हैं पर्टिकुलर वैसे ही हमने उनको ग्रहण कर लिया, जो तत्सम से निकल कर आए, जो तत्सम से निकले तत्सम से बने हुए शब्द वो तद्भव होते हैं। वेरी गुड। और देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारे देश में ही उनका निर्माण हुआ है और देश में ही है वो। कोई एक उदाहरण बता सकते हैं कोई एक ऐसा शब्द? घड़ा, घूंघट। वेरी गुड। यस मैम। मैम आप मुझे बताइए कि इंदुमती कहानी सबसे पहले कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? नो मैम सॉरी, सरस्वती पत्रिका में इंदुमती प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। आप बताएं मैडम छायावाद के बारे में बताइए आप हमें। छायावाद का कार्यकाल 1918 से 1936 तक चला, जिसमें 4 महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिनमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संज्ञा के बारे में बताइए मैम, संज्ञा और संज्ञा के भेद भी बताना। यस सर। सर संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करवाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के सर 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बोध के साथ साथ उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके अंतर्गत उसके मूल, रंग, रूप, प्रकार इत्यादि के माध्यम से उनके भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके सुमित्रा, यू बिलोंग टू जयपुर, सो हाउ आर यू फीलिंग एट पीटी क्लासेस? मेरा क्वेश्चन आपसे। सर मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सिलेक्शन ले लूँगी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, और सर इससे पहले तो मैं मतलब मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है सर कि अब मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं सर बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। व्हाट अबाउट अवर पूनम, शी इज आल्सो फ्रॉम महेंद्रगढ़। पूनम आपकी क्या राय है? सर मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है, एक Thank तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया है, दूसरा ये है कि मैं मतलब अब श्योर हूँ कि हाँ आई कैन डू इट, मैं अब कर लूँगी। वेरी गुड मैडम। एंड व्हाट अबाउट अवर एमपी बॉय, जबलपुर बॉय से भी पूछा जाए
मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लग रहा है अब कि मैं अपना सिलेक्शन मेरा पक्का है सर यहाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस प्लीज कैरी ऑन विद योर क्वेश्चन। मैम आप जो है शब्द शक्ति तो पढ़े ही होंगे। हाँ। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ उसका, आप बताइए शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार है। जैसे वह गधा है तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर। वेरी गुड, कारण बता सकती हैं क्यों? क्योंकि इसमें उसको गधा बताया गया है, जो कि गधा तो इंसान गधा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, बताया गया उसको, इसलिए वजह से इसमें लक्षणा मुख्य अर्थ की वजह लक्ष्य अर्थ की ओर इंगित किया गया इसलिए। वेरी गुड, और सूर्य अस्त हो गया है यह किस शब्द शक्ति का उदाहरण? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसका अलग अलग अर्थ निकालेगा, जैसे पूजा वाला पूजा के लिए, छुट्टी वाला छुट्टी के लिए, और पर्टिकुलर कोई काम करने वाला उसके लिए, इसीलिए अलग अलग अर्थ में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वेरी गुड मैम, आप बताइए संधि के बारे में बताइए। ऐसा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हाँ। जैसे मैं आपको कहूँ विद्या जमा आलय, विद्यालय, सर इसमें दो वर्णों का मेल होता है। ये कितने, इसके भेद कितने हैं प्रकार? इसके तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सर। गुड, और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी सर, स्वर संधि के आप यण संधि और यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पांच भेद। वेरी गुड, गुड नॉलेज। मैम आप मुझे ये बताइए कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? मैम कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो 1455 संवत में हुआ था। उनके बारे में एक जनश्रुति भी है कि 1455 साल गए चंद्रवारिक ठाठे जेठ। कहाँ हुआ था मैम उनका जन्म? काशी में मैम, काशी में हुआ था उनका जन्म। ओके मैम। मैम उनकी कौन सी रचनाएं हैं? उनकी रचना है मैम साखी शब्द रमेनी, जो कि उन्होंने तो मतलब केवल मुँह से बोला था, उनके जो शिष्य थे धर्मदास उन्होंने उनको क्या किया है कि लिपिबद्ध किया है। पद्मावत की कोई एक, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, यस सर, है ना, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि है जिन्होंने भारतीय जो राजा होते हैं उनके ऊपर यह मतलब रचना लिखी गई है, सूफी शैली में लिखी गई है, मसनवी शैली में, है ना सर। इसमें जो मसनवी शैली होती है सर, इसमें क्या होता है जो नायिका होती है उसको क्या माना जाता है? परमात्मा माना जाता है, और जो नायक होता है वो क्या होता है कि उस परमात्मा को पाने के लिए जाता निकलता है। तो इसमें सर राजा जो इसके नायक है राजा रतन सेन है, और पद्मावती क्या है इसमें नायिका है, और सर इसमें 57 सर्ग हैं, और सर इसमें जो ये पद्मावती है इसको जो है मैं कह सकती हूँ परमात्मा का स्थान दिया गया है, और राजा रतन सेन को मन का। जी बिल्कुल, और यह एक महाकाव्य महाकाव्य है। वेरी गुड मैम, तो आप मुझे बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। और मैम आप ये बताइए कि जब आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों नहीं दिया, उन्होंने उसका विरोध क्यों किया कि ये वीर गाथा काल नहीं है ये आदिकाल है? मैम क्योंकि वीरगाथा काल तो दिया हुआ नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये तो है कि उसमें वीर जो योद्धा हुए हैं बड़े बड़े उनके उनका बखान किया गया, उनकी वीरता का बखान किया गया है, बट इसके साथ ही इसमें क्या है कि इसमें उसके अलावा और भी साहित्य लिखा गया है, जैसे अपभ्रंश साहित्य है उसमें वीरगाथा है, उसमें जैन साहित्य है, उसमें और भी अनेक मतलब साहित्य की रचना हुई है, तो इसलिए उन्होंने उन सभी रचनाओं के आधार पर उसको आदिकाल नाम दिया। चलिए मैडम, सब्जेक्ट का तो अच्छा नॉलेज है आप लोगों को, और मैं थोड़ा एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ कि यदि हम आपका सिलेक्शन करते हैं तो हमारे एनबीएस में आपका क्या योगदान रहने वाला है? जी मैम। सर मैं मेरा ये हाँ सर, यदि एनबीएस में सर हमारा सिलेक्शन होता है तो सर प्लीज दोबारा एक बार बोलिए क्वेश्चन, आपने क्या बोला है सर? कहने का मतलब है कि आपका एनबीएस में सिलेक्शन हो जाता है yes, sir. तो आपका योगदान क्या रहेगा? ऑब्वियसली सर यदि हमारा टीचर आप अच्छा yes, पढ़ाओगे, यदि एनबीएस में हमारा सर यदि आप बता दें हाँ, यदि एनबीएस में हमारा योगदान हो जाता है तो सर एनबीएस एक बहुत ही गौरवशाली संस्था है, तो हम उसको और भी ज्यादा मतलब अपनी मेहनत के द्वारा उसकी भव्यता को बनाने का बनाएंगे सर, और भी बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे सर, जितने भी स्टूडेंट है कैसे बनाएंगे आप उसकी भव्यता कैसे बनाएंगे सर? मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है
कि मैं उसकी जवाबदेहिता को और बढ़ाऊं। yes, और वो कैसे बढ़ाएंगे सर? मैं मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पॉजिटिवनेस लाऊंगी और उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करूंगी। yes, और अच्छा, उनके हाई कर मेन थिंग, अगर आपका रिजल्ट आता है ऑब्वियस है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी आईज में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। yes, sir. और बच्चे जब अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे टीचर हमें बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं। yes, तो वो कार्य आप मन से करेंगे। yes, isn't it? Yes, तो आई होप दिस सेशन इज गुड विद द कैंडिडेट एंड कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल सेशन।